टाई सीरीज के इस वीडियो को देखने के पहले आपको हम पिक्चर के माध्यम से कुछ शब्दों को समझा दे जो इस वीडियो में प्रयोग किए जाएंगे ताकि आपको वीडियो को समझने में आसानी हो। इस पिक्चर में देखे और समझे कि टाई की नॉट कहाँ है, हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड कौन सा है। इस पिक्चर में देखकर समझिए कि टाई का सीधा भाग, उल्टा भाग, मोटा सिरा और पतला सिरा कौन सा है। इस पिक्चर के माध्यम से टाई के गोल घेरे के ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर को समझिए। सबसे पहले टाई की पोजीशन पिक्चर के अनुसार रखिए। छोटा सीधा सिरा राइट में तथा बड़ा सीधा सिरा लेफ्ट में। बड़े सिरे की लटकन छोटे सिरे से 3 इंच बड़ी रखिए। टाई बांधने की इस पूरी प्रक्रिया में छोटा सिरा कोई मूव नहीं करेगा। मूव वन में बड़े सिरे को छोटे सिरे के ऊपर से लेते हुए लेफ्ट से राइट लाइए। मूव टू में टाई के मोटे सिरे को राइट साइड से गोल घेरे के नीचे से लेते हुए अंदर लाइए। मूव थ्री में मोटे सिरे को टाई के गोल घेरे के ऊपर से लेते हुए राइट साइड ले जाइए। मूव चार में टाई के बड़े सिरे को राइट से लेफ्ट टाई के छोटे सिरे के नीचे से होते हुए लाइए। मूव पांच में बड़े सिरे को लेफ्ट साइड से गोल घेरे के ऊपर साइड से लेते हुए गोल घेरे में ले जाइए। मूव सिक्स में मोटे सिरे को गोल घेरे के नीचे साइड से लेते हुए लेफ्ट साइड लाइए। मूव सेवन में मोटे सिरे को लेफ्ट से राइट छोटे सिरे के ऊपर से होते हुए राइट ले जाइए। मूव आठ में बड़े सिरे को राइट साइड से गोल घेरे के नीचे से होते हुए गोल घेरे के अंदर लाइए। मूव नाइन में मोटे सिरे को घेरे के ऊपर साइड से लेते हुए नॉट पर मूव सेवन से बनी लूप से निकलते हुए नीचे साइड ले जाइए। अब आप टाई के छोटे सिरे को खींचते हुए टाई की पोजीशन को अपने हिसाब से सेट कर ले और टाई की नॉट पर अंगूठे से दबाव डालते हुए डिंपल को उभार में या दबाव में अपने हिसाब से सेट कर ले। लंबाई को समायोजित करने के लिए टाई के पतले छोर को खींचते समय अपने कॉलर की तरफ गांठ खींचें।